नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी SSC MTS का जो फॉर्म है उसका पेमेंट अगर बीच में फंस गया हो और 48 घंटे भी पूरे हो गए हों, तो आप इस टेक्निक से अपने पेमेंट को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। मैं यहाँ पे बताऊँगा, ऐसे ही मेरा एक्सेप्ट हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त के लिए एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चले, वो टेक्निक क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सरकारी रिजल्ट या फिर रोजगार रिजल्ट की कोई वेबसाइट लेके आप SSC MTS ऑनलाइन फॉर्म उसमें जो है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आइकन खुल रहा है और लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो रहा है यहाँ पे। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो हमें पासवर्ड देना है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर दे के वहाँ पे हमको लॉगिन करना है। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो ये लॉगिन हो रहा है दोस्तों। देखिए, ऐसा आइकन आपके भी मोबाइल में खुलेगा। और ये देखिए, पेमेंट स्टेटस में चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। ये वीडियो बिल्कुल भी फेक नहीं है और बिल्कुल सही है, मैंने अभी इसको सही किया हुआ है। देखिए, ये मेरा जो है ना, ये पूरा का पूरा स्टेटस दिखा रहा है। मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ और आपको एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मेरा ये जो फॉर्म है पूरी तरह से प्रोविजनली एक्सेप्टेड है। अब आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। आप ये प्रिंट का ऑप्शन दबाएँगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर वो टेक्निक क्या है। तो देखिए, मैंने भी परसों के लगभग मतलब किया हुआ था और 48 घंटे मेरे पूरे हो गए थे। और पूरे होने के बाद भी मेरा ये पेमेंट सक्सेस नहीं हो पा रहा, तो मैंने ये डबल वेरिफिकेशन को किया। मैंने लगभग कम से कम इस डबल वेरिफिकेशन को 3 या 4 बार किया हुआ है, 2-2 घंटे के अंतराल पे। और शाम को तो मैंने 2-3 बार लगातार किया। और यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन करने के बाद मेरा वेरीफाइड हुआ है। तो दोस्तों, आप भी चिंता मत कीजिए, अगर आपके 48 घंटे पूरे हो गए हैं और पेमेंट अगर आपका फंसा हुआ है तो आप अपने पेमेंट को पूरा कर सकते हैं डबल वेरिफिकेशन पेमेंट के द्वारा। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना अपने भाई के लिए। थैंक यू।